नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और महिला बाल विकास मंत्री के साथ मिलकर बैठक करके पदाधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है। पंचायती राज अधिनियम और बेशक के तहत पंचायत में सब कमेटी बनेगी, जो किया जनता को प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, जो कि यह सरासर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि झारखंड राज्य अंतर्गत चुनाव आचार संहिता लागू है, पंचायतों के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जारी है और खुल्लम खुल्ला चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल मुख्य सचिव और माननीय मंत्री जोबा मांझी के साथ बैठक करके स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है कि पंचायती राज अधिनियम पेशा के तहत पंचायतों में बनेगी सब कमेटी। आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार का प्रलोभन देने का काम जनता के बीच में करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले भी बहुत सारे पदाधिकारियों का चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी इन्होंने स्थानांतरण करने का काम किया था। हम लोगों ने उस समय भी, हमारे पदाधिकारियों ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इस बारे में प्रतिवेदन चुनाव आयोग देने का काम किया था। और अपने आदत से लाचार माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनका स्वभाव है, इनकी सरकार का जो स्वभाव है कि झूठे मोटे प्रलोभन देकर के जनता को ठगने का काम करना, बेवकूफ बनाने का काम करना, लालच देने का काम करना, जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव के पूर्व जनता के बीच में जाकर के लोगों को ठगने का काम किया था, और मुझे लगता है उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज फिर चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद जनता को एक तरह से ठगने का काम किया और चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि संवैधानिक पदों पर बैठने वाले शीर्षस्थ लोग, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्री, जरा ऐसे घृणित कार्य करेंगे तो ऐसे लोगों पर चुनाव आचार संहिता संज्ञान ले और कठोर से कठोर कार्रवाई।